Hello students, welcome to thermodynamics class. आज हम start करते हैं thermodynamics का. आपको पूछ रहे थे कि कितना रह रहा है इस यूनिट में. बस एक से दो लेक्चर बाकी है. लास्ट आपका एक क्लासेस क्रैपीरोन समीकरण और एक मैक्सवेल समीकरण, दो चीज़ें आपकी और बाकी है. उसके बाद में आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है. क्योंकि आप लोग का सिलेबस थोड़ा लेंदी है, इस वजह से एक एक यूनिट करने में इतना टाइम लग रहा है. अब मैं तो अभी करवाने को करवा दूंगी फास्ट, लेकिन फिर आप बोलोगे कि मैम डिटेल में पढ़ाओ या समझ में नहीं आ रहा, प्रॉब्लम्स होगी इसलिए. तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग का एग्जाम से बिल्कुल टाइम से, उससे काफ़ी पहले और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग का सिलेबस हो जाएगा. बस आप लोग जो भी नोट्स वगैरह मैं लिखवा रही हूँ वो ध्यान दे करके पढ़ो, और कुछ उसमें कुछ भी दिक्कत हो तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, ठीक है. ऐसा कोई नहीं है, उस टॉपिक को भी वापस अपन ले लेंगे, वापस से समझा देंगे, या उसमें कोई दिक्कत रह रही है, समझने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ बता दिया करो, वो समझा देंगे, ठीक है. तो सेकेंड ईयर की क्लास है आपकी थर्मोडायनेमिक्स की, जिसमें अपन फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं. हाँ, और कुछ भी अगर लैंग्वेज को लेके, हिंदी इंग्लिश को लेकर के या कुछ भी प्रॉब्लम आए तो वो आप लोग पहले बता दिया करो कमेंट सेक्शन में, तो उस पर अपन थोड़ा और ध्यान देंगे. वैसे अभी तो आप लोग को ऐसी कोई दिक्कत आ नहीं रही होगी, क्योंकि अब तो हिंदी में ही चल रहा है अपना पूरा. हाँ, तो अपन ने कल उसमें क्या पढ़ा था, अपने रासायनिक विभव पढ़े थे. पहले अपन ने ऊष्मागतिक विभव पढ़े और उसके बाद रासायनिक विभव पढ़े, ठीक है. पहले तो अपन ने ऊष्मागतिक विभव लिए, उसके बाद अपन ने रासायनिक विभव कल पढ़ा. रासायनिक विभव के कारण हमें क्या रिजल्ट मिला वो हमने देखा, कि किसी भी पदार्थ की प्रावस्था में जो परिवर्तन होता है तो उसका क्या फर्क पड़ता है ना. अच्छा है, जो मैं आप लोग को नोट्स लिखवा रही हूँ, तो अगर नोट्स आप लोग नहीं लिखना चाह रहे हो इतना, क्योंकि मैं तो सोचती हूँ कि ठीक है आप लोग के पास कंप्लीट रहे, कि आप लोग एग्जाम टाइम पे अगर आप लोग जब प्रिपरेशन के लिए शुरू करो तो आप लोग बस ओनली नोट्स पढ़ लो, तो उतना आपका सफिशियंट रहेगा. उसके बाद आपको लैंग्वेज देखने के लिए या कैसे लिखना है उसके लिए बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. फिर भी अगर आप लोगों को ये लगे कि नहीं नहीं मैम आप तो बस समझा दिया करो, नोट्स वगैरह तो हम खुद देख लेंगे, खुद बना लेंगे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मना कर देना कि मैम नोट्स मत लिख पाओ, वो हम खुद कर लेंगे, आप टॉपिक समझा दिया करो, ठीक है ना. हाँ, तो ये हमने रासायनिक ये सब हमने पढ़ लिया. अब आज हम क्या पढ़ते हैं इससे रिलेटेड. कल हमने लास्ट में जो हमने वक्र देखा था वो किस में लिया था हमने वक्र, पी में और टी में हमने कल ग्राफ देखा था, ठीक है ना, प्रेशर में और टेम्परेचर में. कि उस ग्राफ के बीच में हमने देखा कि अगर किसी में दो प्रावस्थाओं के लिए, अगर हम दो प्रावस्थाएं जो है जब साम्यावस्था में होती है तो उनके बीच में हमें कुछ इस प्रकार का वक्र मिला था, है ना. तो इसमें हमने पी और टी, दाब और ताप, इन दोनों के मध्य में संबंध देखा था कि जब उनकी प्रावस्था में परिवर्तन होगा उसके लिए आवश्यक दो शर्तें हमने क्या बताई थी. एक तो दोनों के जो गिब्स फलन है g1 बराबर g2 होना चाहिए और μ1 बराबर μ2 होना चाहिए, ठीक है. इन्हें से रिलेटेड एक समीकरण दी गई कि इस ताप और दाब में कोई संबंध अगर हमें पता करना हो तो उस संबंध के लिए एक समीकरण जिसको क्लासियस क्लैपीरोन समीकरण के नाम से जाना गया. क्लासियस क्लैपीरोन ये उन साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने ये समीकरण ढूंढी, क्लासियस क्लैपीरोन, इनके नाम पर ही इस समीकरण को क्लासियस क्लैपीरोन समीकरण के नाम से ही जाना गया, ठीक है. और इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम्स में आप लोग के पहले भी आई हुई है, आगे भी आ सकती, इसलिए ध्यान से पढ़ना. कुछ चीज समझ में नहीं आए तो मुझे पूछ लेना, है ना. और हाँ, उसके अलावा आप लोग के इस पे कुछ एक इस पे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं. न्यूमेरिकल भी इसमें कुछ इस तरीके से आते हैं कि मतलब ऐसा नहीं, मतलब आपको कोई नंबर दे और उसमें कुछ कैलकुलेशन करवाए, वैसे न्यूमेरिकल कम ही आते हैं. इसी में आपसे कि जैसे पी में और टी में हमने कोई ये संबंध निकाला है, इसी में मान लो आपसे पूछ ले कि आदर्श केस के लिए हो तो क्या स्थिति होगी, या फिर कोई रियल केसेस के लिए हो तो क्या स्थिति होगी, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है. उसमें मैं एक आध जो भी होंगे वो आपको करवा भी दूंगी, और बाकी आप लोग देख लेना, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, इजी टाइप का ही होता है ना. और नोट्स जो आप लोग लिख रहे हो बहुत ही अच्छे नोट्स हैं आप लोगों के. अभी हो सकता है अगर आप लोगों को पढ़ने में कभी ऐसा लगता हो कि कोई सीक्वेंस ही नहीं करवा रही है मैम, या कुछ और प्रॉब्लम, या हमें तो नोट समझ में नहीं आ रहा, बट अभी तक मैंने जितना करवाया है, अगर जिसने भी जिस भी स्टूडेंट ने फर्स्ट क्लास से लेकर के अभी तक का एज इट इज नोट्स और पूरी की पूरी क्लासेस लेकर के बनाया हो, तो आप एक दिन बैठ करके उन नोट्स को पढ़े तो आपको अपने आप पूरा सीक्वेंस समझ में आ जाएगा, क्या चीज़ें वो समझ में आ जाएगी, आपके अकॉर्डिंग लैंग्वेज बहुत ही ईजी और बहुत ही जितना आप लोगों का आता है उससे ज़्यादा ही है. लेकिन हाँ, इतना ज़्यादा डिटेल भी नहीं है कि आप लोग उन चीज़ों में पढ़ के अभी से कन्फ्यूज़ हो जाओ. अभी आपके जितने ज़रूरी है उतनी उतनी चीज़ें मैंने करवाई हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग के नोट्स बिल्कुल सफिशियंट है, ठीक है ना. तो आप लोग तो बस उस हिसाब से तैयारी करो, ज़्यादा इधर उधर उस चक्कर में कन्फ्यूज़ मत हो कि हम उसमें से पढ़ें उसमें से पढ़ें.
बुक हो किसी के पास तो बुक से मैच करके देख लो, सिलेबस हो तो सिलेबस से मैच करके देख लो। आप लोगों का एक एक टॉपिक करवाया जा रहा है, बहुत अच्छे तरीके से करवाया जा रहा है, आपको नोट्स भी अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। अदरवाइज कॉलेज लेवल पे नोट्स लिखवाना कोई बहुत ज़्यादा कंपलसरी नहीं होता, मैं सारे टॉपिक सारे डेरिवेशन में यहाँ पे समझा दूँ उतना भी सफिशियंट होता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं इस पर से नोट्स, क्योंकि अब आप लोग का लास्ट टाइम आ गया है तो अब आप लोग यहाँ क्लासेस लोगे उसके बाद में नोट्स बनाओगे, तो मुझे लगा आप लोगों का ज़्यादा टाइम जाएगा तो बेटर होगा कि मैं ही नोट्स भी लिखवा दूँ आप लोगों को। तो ठीक है, एक घंटे की क्लास में आप लोगों के सारे काम होते रहेंगे। फिर भी अगर आप लोगों को ऐसा लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना कि मैम नोट्स हम खुद बना लेंगे, आप हमें बस टॉपिक समझा दिया करो, है ना। और हाँ, डिटेल में पढ़ाने की बात है, देखो जो टॉपिक डिटेल में है, अभी जैसे हम पढ़ेंगे क्लासेस क्लैपेरॉन समीकरण, तो इसके मैटर में जो भी डिटेल में होता है वो मैं बता देती हूँ, कोई ऐसे समझाने लायक चीज़ होती है तो, है ना। अब जैसे उस दिन हमने चारों ऊष्मागतिक विभव पढ़े, जी पढ़ा, एच पढ़ा, यू पढ़ा, एफ पढ़ा, अब इनमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसे समझाने वाली चीज़ है नहीं कि एंथैल्पी क्या होती है। हम चाहें तो ठीक है सिर्फ एक एंथैल्पी है, सिर्फ एक गिब्स ऊर्जा है, इस पर भी मैं एक एक डेढ़ घंटे की वीडियोस बना सकती हूँ। इस पर भी मैं पूरा आपको इसके डेप्थ में लेकर के जाऊँ कि आगे के एग्जाम्स तक में कितना, तो ये टॉपिक्स भी बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। लेकिन ये है कि अभी आप लोगों के लिए उतना ज़रूरी नहीं है, मैं उतना करवा दूंगी लेकिन फिर आप लोगों के एक यूनिट में ही 20-25 दिन खींच जाएंगे, इसीलिए जितना है उसके हिसाब से। हाँ, जहाँ पे थ्योरी की ज़रूरत है वहाँ मैंने थ्योरी करवाई है, जो आपके कैलकुलेशन जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ कैलकुलेशन करवाया है, आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स भी करवाए ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए कि कैसे आते हैं। बाकी साथ आप लोगों को पता होगा पेपर वगैरह लास्ट ईयर के अगर आपने देखे होंगे तो, ठीक है ना। तो अब जैसे ये चीज़ें हैं, अब इनमें तो पता है हमें सीधे इनके समीकरण हैं कहाँ से आए, वो मैंने आपको जैसे बता दिया कि पहले हमने आंतरिक ऊर्जा, क्योंकि ये तो हमारे पास बेसिक था, हमने ये निकाला, एफ निकाला, फिर सॉरी ये निकाला, एच निकाला, एंथैल्पी निकाली, फिर हमें लगा कि नहीं इनमें प्रॉब्लम क्या है, मैंने वो भी आपको बताया कि भाई एंट्रोपी की दिक्कत आ रही थी, एंट्रोपी को कैसे मैनेज करें हम हमारी लैब में, तो उसके लिए हमने फिर क्या ढूंढा, जी और एफ, ये दो नए ऊष्मागतिक विभवों की खोज की गई, जिनको हमने क्या हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा और गिब्स मुक्त ऊर्जा के नाम से हम जानते हैं ना। तो इस तरीके से ऐसी जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके अलावा तो बस इन समीकरणों में यही है कि इनकी समीकरण क्या है, अब उसी को अगर हम समतापी प्रक्रम में पढ़ें तो क्या होगी, समदाबी प्रक्रम पे पढ़ें तो क्या होगी, तो उनमें कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने वाली ज़रूरत है नहीं। वैसे जहाँ पे जितनी ज़रूरत है उतना मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, बाकी डिटेल में जाने को तो ऐसा है कि अभी ये चारों पोटेंशियल में आप लोगों को पढ़ाऊँ तो इन चारों पे ही आपकी चार क्लासेस बन जाएगी। डेढ़ घंटे की क्लास में आप लोगों को पूरे नेट और गेट के लेवल के अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा दूँ, या फिर अगर बीएससी से निकलने के बाद अगर कोई आप में से कोई आईआईटी जेएम की तैयारी करता है तो अगर मैं आपको आईआईटी जेएम भी क्वेश्चन करवा दूँ तो आप लोगों के इसी में आराम से दो दो क्लासेस निकल जाएगी। लेकिन उतना अभी पढ़ने का उतना मतलब नहीं है, फिर उतने में फिर कोर्स पूरा हो भी नहीं पाएगा, दोनों ही चीज़ें हैं ना। इसीलिए अभी जितना ज़रूरी है अभी हम उसके हिसाब से कर रहे हैं। फिर भी ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत कम कम आपको करवा रही हूँ, आपकी जो कोर्स में वो चीज़ें पूरी और वो चीज़ें बहुत अच्छे से करवा रही हूँ, उसमें आपको कहीं समझ में नहीं आए तो लिखा करो, है ना। और एक तो टॉपिक लिख दिया करो, अगर मान लो आज जैसे हम क्लासेस क्लैपेरॉन इक्वेशन पढ़ेंगे, अगर आपको ये समझ में नहीं आई तो आप उसमें ये लिख दो कि मैम आज जो आपने टॉपिक पढ़ाएंगे हमें समझ में नहीं आया, ठीक है, तो अपन उसको कुछ और तरीके से समझने की कोशिश करेंगे किसी और तरीके से। अब आप में से कई तो सीधे से लिखते हो कि मैम इसमें समझ में नहीं आया, आपने क्या सीरियल वाइज कर दिया मैम, अब कौन सी किसी वीडियो पे कमेंट कर देते हो, अभी सीरियल वाइज कहाँ से, फर्स्ट वीडियो से पढ़ो तो मेरे अकॉर्डिंग तो सब सीरियल वाइज ही है। या तो फिर आप उसमें ये लिख करके बताओ कि मैम आपने पहले ये चीज़ पढ़ाई तो पहले आपको ये पढ़ानी चाहिए थी, या पहले आपने ये करवाया तो ये, तब तो मुझे भी समझ में आए कि चलो आप लोग एक चीज में, क्योंकि अभी अपनी लाइव क्लास तो हो नहीं पा रही है तो ऐसे में मुझे समझ में नहीं आता कि सीरियल वाइज होने नहीं होने से आपका मतलब क्या है, मेरे अकॉर्डिंग तो मैं सीरियल वाइज ही करवा रही हूँ, ठीक है ना। तो मैं तो ये बोलूंगी जो नोट्स आपने अभी तक जिस पे स्टूडेंट ने फर्स्ट डे की क्लास से अभी तक नोट्स बनाए हैं, क्लासेस को समझा है, वो जो अपने नोट्स को देखेगा जब उनको पढ़ेगा तो डेफिनेटली उसको सारा सीक्वेंस भी समझ में आएगा, सारी चीज़ें भी समझ में आएगी और उसको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है उसको वो चीज़ भी समझ में आएगी। बीच में से कहीं से देखोगे तब तो सिंपल सी बात है, ना तो कुछ समझ में आएगा ना कुछ पता चलेगा, है ना। लास्ट में तो हाँ हम स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालो, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन।
आप लोगों को थोड़ा स्लो भी इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि अभी एक्चुअली में कभी हम सामने मिले भी नहीं है, तो मुझे पता नहीं है भाई आप लोग मतलब कैसे स्टूडेंट्स हो, आप लोगों को फास्ट पढ़ना ज़्यादा समझ में आता है स्लो पढ़ना ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि अभी मैं फास्ट फास्ट करवा दूंगी फिर आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी कि मैम स्पीड ज़्यादा है या कुछ भी, इस वजह से मैं जानबूझ के आप लोगों को थोड़ा स्लो स्लो करवाती हूँ, क्योंकि ठीक है आप लोग BSc लेवल के हो अभी, तो मुझे पता है आप लोगों को डेरिवेशन भी चाहिए, थ्योरी भी चाहिए, सारी चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं। फिर भी अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि नहीं मैम स्पीड ज़्यादा स्लो है आप तो थोड़ी फास्ट कर दो हम मैनेज कर लेंगे, तो ठीक है कल से अपन फास्ट भी पढ़ सकते हैं, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, कल जो हमने ग्राफ पढ़ा था, हमने पी और टी के मध्य में एक ग्राफ पढ़ा जो कि क्या है अपनी प्रावस्था में परिवर्तन को हमें व्यक्त कर रहा था, कोई एक पदार्थ है उसकी दो प्रावस्थाएं अगर हमने कोई ले ली उन दोनों में परिवर्तन को व्यक्त कर रहा था, ठीक है। हमने ये मान लिया कि एक कोई ये प्रावस्था और दूसरी प्रावस्था का वक्र ये है, तो इसमें जो दाब में परिवर्तन हमने ले लिया, मान लो एक तो पी दाब पर है और एक पी प्लस डेल्टा पी दाब पर है, ठीक है ना। इधर हम क्या बता रहे हैं प्रेशर दाब बता रहे हैं, ऐसे ये कोई टी दाब पर है और ये टी प्लस डेल्टा टी ताप पर है, तो ये टी का इधर वक्र हो गया। इन दोनों के बीच में जो प्रावस्था परिवर्तन वक्र था वो कुछ इस प्रकार का था, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या बताया था, ये कोई कांस्टेंट टेम्परेचर पर था और इसके दोनों तरफ प्रावस्थाओं के लिए म्यू वन बराबर म्यू टू होगा, म्यू वन म्यू टू क्या था रासायनिक भी होता और जी वन बराबर जी टू होगा, जी वन जी टू क्या है यहाँ पे गिब्स ऊर्जा है दोनों पदार्थ की दोनों अवस्थाओं के लिए, है ना। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, इस समीकरण के लिए हम अब वो समीकरण प्राप्त करना चाहते हैं जो कि ये पीटी वक्र है इसमें प्रावस्था की सीमा का निर्धारण कर सके कि जो प्रावस्था है एक प्रावस्था की सीमा कहाँ से कहाँ तक होगी, या जैसे मान लो अगर हमने इसे किसी पात्र में अगर लिया है, जैसे कल हमने डायग्राम बनाया था कि इसमें दो प्रावस्थाएं हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये तो हमने हमारे हिसाब से हमने इन दोनों को अलग करने के लिए बताया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा एक प्रावस्था की सीमा ये है एक प्रावस्था की सीमा ये है, या प्रावस्था में परिवर्तन कहाँ से शुरू हुआ, भाई जो पदार्थ एक अवस्था में था यहाँ से दूसरी अवस्था में गया तो वो चेंज उसमें शुरू कहाँ से हुआ, ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगी। नॉर्मल आंखों से देख करके तो हम नहीं बता सकते कि हाँ इसमें चेंज होना शुरू हो गया, क्योंकि वो चेंज क्या इतने छोटे लेवल पे होता है कि नॉर्मली तो हमें समझ में भी नहीं आता जब पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। या जैसे आप इसका एग्जाम्पल देख लो, जैसे हम पानी से बर्फ बनाते हैं, ठीक है, पानी को हमने जमने के लिए रख दिया बर्फ बनने लग जाती है, तो आप पहले रखते हो पानी या आप एक दो घंटे बाद फ्रीजर खोल के देखो तो ठीक है वो बर्फ बन जाती है तो आपको समझ में आता है, लेकिन अगर आप उसे देखो रेगुलरली आप फ्रीजर खोल के मान लो आप उसको देखते रहो कि हाँ बनेगा, आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि पानी धीरे धीरे बहुत ठंडा हो रहा है, फिर धीरे धीरे उस पर एक लेयर बनती जा रही है, वो लेयर ज़्यादा होते 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 पूरी बर्फ बन जाती है, लेकिन वो फेज स्टार्ट कहाँ से हुआ पानी से बर्फ बनने का वो आपको अचानक देखने पर समझ में आएगा नहीं, है ना। तो उसके लिए हमने एक समीकरण हमें चाहिए थी, तो वही समीकरण किस नाम से कहलाई गई, क्लासियस के नाम से, क्लासियस और क्लैपेरॉन समीकरण के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो हम ये लिखते हैं कि अब हम जिनको उतारना हो वो उतार सकते हो, अगर किसी को नहीं उतारना हो तो वो नहीं भी उतारो कोई बात नहीं, ठीक है। हमें मान लो एक ऐसे समीकरण की आवश्यकता हुई जो कि क्या है उस प्रावस्था की सीमा को निर्धारित कर सके, ठीक है ना, उस प्रावस्था की सीमा क्या है उसके लिए, या फिर जो हमारी कोएग्जिस्टिंग की जो लाइन नहीं थी दोनों बीच में, तो इसके लिए हम क्या देखते हैं ये जो हमारी लाइन थी इसको हमने क्या कहा था सह अस्तित्व, क्यों इस लाइन का मतलब आप लोगों को समझ में आएगा, ये वक्र क्या बताना चाह रहा है, ये वक्र ये बताना चाह रहा है कि ये लाइन जो है ये दोनों प्रावस्थाओं के लिए है, किसी एक की नहीं है, दोनों प्रावस्थाएं इस लाइन पर एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना, जो हमारी प्रावस्था एक थी वो भी और दो थी वो भी, तो ये लाइन उन दोनों के बीच की लाइन है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं सह अस्तित्व का हमने कहा था कोएग्जिस्टेंट, कल मैंने बताया भी था कोएग्जिस्टेंस का मतलब था, ठीक है ना। जैसे अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि जैसे पानी जो होता है जब बर्फ में बदलता है तो एक सीमा ऐसे होती है कि जिस पर पानी जो होता है आप उसको आधा बर्फ भी मान लो, ठीक है ना, और पानी पानी के फॉर्म में तो होता ही है, मतलब ना तो कम्प्लीटली पानी ही रह जाता है ना पूरी तरीके से बर्फ ही बन जाता है,
वो जो उस टाइम अगर हम उसका वक्र बनाते हैं तो उस वक्र पे कैसे एक ही लाइन पे ये दोनों चीजें एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना, क्योंकि उस एक पॉइंट में पानी भी एग्जिस्ट कर रहा है और बर्फ भी एग्जिस्ट कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, सह अस्तित्व। तब यहाँ जो ये लाइन है ये हमें क्या बताती है, दो प्रावस्थाओं के सह अस्तित्व को बताती है। तो इन दो प्रावस्थाओं के सह अस्तित्व को हम किस समीकरण द्वारा लिख सकते हैं, हमने कोई भी पदार्थ की दो प्रावस्थाएं यहाँ मान ली, तो ठीक है माना, सीधे लिखो पदार्थ की देखो हमने क्या बोला, म्यू वन बराबर म्यू टू, कल भी हमने प्रावस्था के लिए समीकरण पढ़ी थी। अब म्यू वन भी किसका फलन है, बी का, और टी का दाब और टेम्परेचर दोनों का ही फलन है, तो पी और टी का फंक्शन म्यू वन और बराबर में पी और टी का फंक्शन म्यू टू, इसको हमने समीकरण एक मान लिया। म्यू वन म्यू टू यहाँ पे क्या प्रदर्शित करता है, रासायनिक विभव को, ठीक है, तो हमने दोनों के लिए यही चीज मानेंगे। अब हमारे पास यहाँ जो हमारी फेस बाउंड्री है या फिर हम इस प्रावस्था की सीमा की बात करें तो यह हमारी कहाँ से लग रही है, एक प्रेशर जैसे हमने बताया पी, जबकि दूसरा प्रेशर की लाइन हमने कहाँ ली है, पी प्लस डेल्टा पी पे, मतलब दोनों में डेल्टा पी का अंतर कुछ भी हमने ले लिया है दाब में। ऐसे ही टी पर, एक लाइन तो हमारी टी पर आ रही है जबकि दूसरी प्रावस्था किस पे शो हो रही है, पी प्लस डेल्टा पी पर शो हो रही है। तो अब अगर हम इस फेस बाउंड्री जो है हमारी परिसीमा को अगर हम करें तो हमारी सीमा तो यहाँ से यहाँ तक हो रही है दाब की, पी प्लस डेल्टा पी से पी तक, या फिर टी प्लस डेल्टा टी से टी तक, यही तो हो रही है हमारी दोनों तरफ इस प्रावस्था की जो सीमा, कि इन दोनों के बीच में ये वक्र जो है ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको, इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि क्या लिख सकते हैं इसको, म्यू, अगर मैं इसकी सीमा बताना चाहूँ पी कितना है और टी कितना है, तो सीमा इसकी क्या हो जाएगी, पी प्लस डेल्टा पी से, और टी की कितनी हो जाएगी, टी प्लस डेल्टा टी, और यही सेम सीमा इस म्यू टू के लिए भी हो जाएगी, बराबर म्यू टू पी प्लस डेल्टा पी, इसको हमने मान लिया समीकरण दो। यहाँ पे म्यू वन और म्यू टू दोनों वही है हमारी उष्मा सॉरी रासायनिक वेव को प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन पी प्लस डेल्टा पी और टी प्लस डेल्टा टी किस चीज को प्रदर्शित कर रहे हैं, प्रावस्था की हमारी सीमा क्या है, ठीक है ना, हमारे दोनों प्रावस्थाओं की जो सीमा है उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने चेंज जो है, अगर हम दाब में परिवर्तन, तो दाब में कहाँ से कहाँ तक परिवर्तन हो रहा है, पी से पी प्लस डेल्टा पी के लिए परिवर्तन हो रहा है, ऐसे ही ताप में टी से टी प्लस डेल्टा टी के लिए परिवर्तन हो रहा है। तो इन दोनों में एक चीज जो है, इन दोनों में कॉमन रहती है, वो चीज क्या है कि म्यू वन और म्यू टू इन दोनों का बराबर रहता है ना। तो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं,
म्यू वन बराबर क्या होना चाहिए? म्यू टू। परिवर्तन चाहे, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, परिवर्तन चाहे कहीं से कहीं तक आप लो, ठीक है ना, चाहे हम पी प्लस डेल्टा पी या हम इससे आगे की भी कोई सीमा लेते हैं, लेकिन दोनों के लिए ये जो मान है ये दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। रासायनिक विभव इन दोनों ही परिसीमाओं के लिए कैसा होना चाहिए? बराबर में होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे ऊष्मागतिकीय विभव जो हमने कल पढ़ा था डीजी या फिर हमने गिब्स ऊर्जा फलन पढ़ा था, अगर हम उसका मान यहाँ पे देखें तो हमने ये चीज भी पढ़ी है साथ में कि जी वन बराबर जी टू भी होना चाहिए। एक कंडीशन तो हमारी म्यू वन बराबर म्यू टू की थी, जबकि दूसरी कंडीशन क्या थी हमारे पास, जी वन बराबर जी टू भी तो होना चाहिए, दोनों के गिब्स फलन का मान बराबर होना चाहिए। तो अब अगर हम यहाँ से गिब्स फलन का मान देखें, जी का मान अपने क्या देखा था, डी जी अगर हम ले तो जी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी। ऊष्मागतिकीय विभव के समीकरण से हमने यही पढ़ा था, डी जी बराबर, उसमें देखो लास्ट हमने जो ऊष्मागतिकीय चारों विभव निकाले थे वहां पर हमने गिब्स ऊर्जा के लिए क्या समीकरण निकाली थी, डी जी बराबर माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी के बराबर निकाला था, ठीक है ना। यहाँ पे इसको आप मान लो कोई समीकरण चार दे दो। अब यहाँ पे हमारे पास एक प्रतिबंध क्या लग रहा है इसके ऊपर कि जीवन बराबर कैसा होना चाहिए, जी टू होना चाहिए, दोनों प्रावस्थाओं के लिए जीवन बराबर जी टू होना चाहिए। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम इसमें परिवर्तन देखें तो परिवर्तन में इसका मतलब दोनों में बराबर होना चाहिए, तो डी जी वन भी बराबर क्या होना चाहिए, डी जी टू के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम समीकरण से इन दोनों का मान देखें, इस समीकरण से हम दोनों का मान देखें तो डी जी वन हमारे पास क्या होगा, माइनस एस वन डी टी प्लस वी वन डी पी बराबर, अगर डी जी टू के लिए मान क्या हो जाएगा, माइनस एस टू डी टी प्लस वी टू डी पी, ठीक है, हो जाएगा ये मान हमारा कौन सी, पहली प्रावस्था के लिए और दूसरी प्रावस्था के लिए। जी वन बराबर जी टू है, इसका मतलब दोनों में परिवर्तन भी बराबर होगा, तो डी जी वन की परिभाषा से प्रावस्था एक के लिए ये समीकरण और प्रावस्था दो के लिए हमारी ये समीकरण, और ये दोनों आपस में बराबर होंगी, ठीक, समझ में आ गया। अब अगर हम क्या करते हैं, यही जो एंट्रोपी है हमारा, ये आयतन है, यदि हम ये एंट्रोपी या आयतन कैसे देखें, प्रति अणु देखें कि इस प्रावस्था में जो भी हमने ये पूरा हमारा जो निकाय लिया था इसमें अगर हमने कोई भी एन कण माने थे कि टोटल जो कण थे दोनों प्रावस्था मिला के वो कुछ एन कण थे, ठीक है ना, तो उन एन कणों में प्रति कण एंट्रोपी कितनी है या फिर प्रति कण उसका आयतन कितना है, प्रति कण देखें तो हम इस समीकरण को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, माइनस एस वन बटे एन इंटू डी पी प्लस वी वन बटे एन इंटू डी पी बराबर माइनस एस टू बटे एन इंटू डी टी प्लस वी टू बटे एन इंटू डी पी, ठीक, इस प्रकार से हमने लिख दिया। यहाँ पे इस, अब ये जो पूरी हमारे पास मान आया माइनस एस वन बटे एन या फिर वी वन बटे में एन, इसको हम किस प्रकार लिखते हैं, माइनस स्मॉल एस वन, स्मॉल एस वन, ठीक है, इंटू में डी पी एज इट इज प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल वी वन इंटू डी पी, क्योंकि अब ये हमारे पास क्या, ये प्रति अणु, ये तो हमारे पास कुल एंट्रोपी थी उस पूरी पहली प्रावस्था में, कुल एंट्रोपी हमारे पास थी एस वन, कैपिटल एस वन, जबकि स्मॉल एस वन किसको प्रदर्शित कर रहा है, प्रति अणु कितनी एंट्रोपी है इस प्रावस्था में, ठीक है। ऐसे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस एस टू डी टी प्लस वी टू डी पी, समझ में आ गया। इसको समीकरण नंबर पांच मान लो, यहां हम लिख लेते हैं, यहां एस वन और एस टू तो किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, एंट्रोपी प्रति कण, और ऐसे ही वी वन वी टू किसको प्रेषित कर रहे हैं, वी वन एंड वी टू प्रति कण आयतन। प्रतिकरण आयतन और प्रतिकरण एंट्रोपी, क्योंकि हम यहाँ कैसी बात कर रहे हैं,
कुल एंट्रोपी पूरी प्रावस्था की गैसीय है, और अगर हम इसे प्रति कण लेना चाहें कि एक कण की वजह से एंट्रोपी कितनी होगी, या एक कण जो है उस पूरे निकाय में कितना आयतन घेर सकता है। ठीक है, लिख लो इतना। ये जो हमारी समीकरण 5 है, इसी को हम थोड़ा और व्यवस्थित कर देते हैं, इसी को थोड़ा और अरेंज करते हैं। तो समीकरण 5 से देखो, हम यहाँ पे क्या करते हैं, अरेंज करने से हमारा मतलब क्या है कि डीपी वाली दोनों टर्म जो है दोनों तरफ, ये हम एक तरफ ले आते हैं और डीपी वाली दोनों टर्म भी हम एक तरफ ले आते हैं। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, वी वन डी पी माइनस V2 dP बराबर माइनस S2 dT प्लस S1 dT। डी पी यहाँ से हम कॉमन ले लें, V1 माइनस V2 बराबर। ठीक है, यहाँ से dP/dt का क्या रिलेशन निकल जाएगा, dP/dt S1 माइनस S2 बटे V1 माइनस V2 है। इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों में अगर मैं माइनस कॉमन कर लूं तो क्या बच जाएगा मेरे पास, S2 माइनस S1 बटे V2 माइनस V1। dP/dt में संबंध S2 माइनस S1 बटे V2 माइनस V1। ठीक है, अब हमें पता है एक चीज आप लोगों ने सुनी होगी, गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा छोटी क्लासेस में आता है हमारा, गुप्त ऊष्मा या इंग्लिश में बोले तो लेटेंट हीट। लेटेंट हीट किसे कहते हैं, जो इसका नाम है वही इसका मीनिंग है, गुप्त ऊष्मा मतलब छुपी हुई ऊष्मा। ठीक है, अब छुपी हुई ऊष्मा से हमारा मतलब क्या होता है कि जैसे प्रत्येक कण जो होता है उसके पास देखो कुछ ऊर्जा तो हम उसको देते हैं, चाहे वो ताप से ले रहा हो तो, अपने आसपास के वातावरण से ले रहा हो तो, कैसे भी, लेकिन हर कण में क्या होता है कुछ ना कुछ ऊष्मा उसके अंदर भी छुपी हुई होती है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर वो काम में लेता है। वो ऊष्मा जो होती है वही उस कण की या कोई माध्यम हो या फिर कोई भी निकाय हो उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। एक एग्जाम्पल देती हूँ हमारे डेली लाइफ का, जैसे कि हम कई बार कॉफी बनाते हैं अगर हम घर में, तो कॉफी और चीनी को जैसे हम स्टार्टिंग में मिक्स करते हैं तो आप देखो उसमें हम पानी या तो नहीं डालते या फिर एकदम हल्का सा अगर हम डाल भी ले, लेकिन हम उनको कंटिन्यू जब दोनों को हिलाते जाते हैं तो हम ये देखते हैं अपने आप ही कॉफ़ी क्या होती है, मेल्ट होने लग जाती है, दोनों आपस में बहुत टाइट हो जाते हैं वो, लेकिन दोनों कैसे मेल्ट हो जाते हैं बिल्कुल आपस में, बहुत टाइट होकर के वो घुलते जाते हैं ना। तो अब वहाँ पे हमने तो इतना पानी उसमें मिलाया नहीं, आया कहाँ से, तो वहाँ पे क्या होता है जो कॉफ़ी के जो कण होते हैं उनके पास में यही होती है गुप्त ऊष्मा होती है, जिसे वह आवश्यकता पड़ने पर जब हमने क्या करवाया दोनों को फास्ट हमने लाया तो हमने दोनों में ही क्या है गतिज ऊर्जा करवाई दोनों के कणों में, उस गतिज ऊर्जा उनमें गति होने पर उन्होंने क्या है अपने गुप्त ऊष्मा का प्रयोग करते हैं वो, और उसके द्वारा वो क्या होते हैं पिघल जाते हैं। वो जैसे ही पिघलते हैं तो चीनी को भी फिर जगह मिल जाती है, वो भी उसमें पिघल करके उसी ऊष्मा को चीनी भी लेती है और वो भी पिघलना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके कई सारे एग्जाम्पल्स ही होते हैं, ये क्या होते हैं किसी भी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है ना, इसका जो सूत्र होता है गुप्त ऊष्मा, इसको आप मान लो कोई समीकरण नंबर 6 मान लो। तो ये लिखते हैं, इसको हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एल से, स्मॉल एल बराबर होता तो है कैपिटल एल बटे में एन। ये क्या होता है इसका गुप्त ऊष्मा होती है ये, और यहाँ हम किसके प्रति कण गुप्त ऊष्मा की बात कर रहे हैं, इसलिए जैसे हमने यहाँ पे अभी एंट्रोपी निकाली थी एस बटे में एन निकाला था, तो एस वन
स्मॉल से शो किया था वैसे हम इसको स्मॉल लेंस से शो कर रहे हैं। ये होती है हमारी किसी कण की गुप्त ऊष्मा, प्रतिकर्ण होने की वजह से एल बटे एन तो बराबर में कितना स्मॉल एल के बराबर होगा। ठीक है, यह इसका मान टी और एस के रूप में इसका मान क्या होता है, टी बटे एन एस टू माइनस एस वन, इसको कोई समीकरण सात हम मान सकते हैं। तो ये हमारे पास एक नई चीज के आगे माध्यम की गुप्त ऊष्मा, क्यों, क्योंकि हमने क्या बताया कि जब इस प्रावस्था में परिवर्तन होता है और जब कणों के बीच में आपस में जो भी गति हो रही है या वो ताप ग्रहण कर रहे हैं किसी वजह से, तो वहां पे इसका मतलब है कि वो अपनी गुप्त ऊष्मा का भी प्रयोग करते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे गुप्त ऊष्मा लेकर के आए कि वो सारे कण क्या अपने गुप्त ऊष्मा का भी प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से हम एस टू माइनस एस वन का मान निकालें तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एस टू माइनस एस वन बराबर क्या बचेगा, एल इंटू एन बटे में टी। ये मान हम यहाँ भी रख सकते हैं, लिख लिया इतना। इसका मान अगर हम समीकरण छह में डालें, क्या हो जाएगा हमारा डीपी बटे डीटी बराबर एस टू माइनस एस वन को प्रदर्शित कर रहे हैं ना, इसलिए तो L बटे T S2 माइनस S1 का मान हमने क्या रख दिया, L बटे T और V2 माइनस V1 as it is ही V2 माइनस V1। यहां से हमारे पास dP बटे dT का मान कितना आ जाएगा, L बटे में T डेल्टा V, डेल्टा V यहां पे क्या प्रदर्शित कर रहा है, आयतन में परिवर्तन को। यहाँ वी टू और वी वन क्या था, प्रथम और द्वितीय जो प्रावस्थाएं थी उन दोनों का आयतन था, और डेल्टा बी के रूप में लिख सकते हैं आयतन में परिवर्तन। तो ये समीकरण सात को ही हम क्या बोलते हैं, क्लेसियस क्लैपेरॉन समीकरण। यही हमारी वो समीकरण है जो हम इतने टाइम से ढूंढ रहे थे, क्लेसियस क्लैपेरॉन समीकरण, जो कि किसमें पी में और टी में परिवर्तन क्या हो रहा है उन दोनों के मध्य संबंध को प्रदर्शित करती है, पी तथा टी के मध्य होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। ठीक है ना, तो यहाँ आप लिखो समीकरण सात ही आपका हो गया क्लेसियस क्लैपेरॉन समीकरण, समझ में आ गया। अभी आप लोग लाइव हो नहीं ना, नहीं तो आप लोग बता देते इसमें कुछ प्रॉब्लम होती तो। क्लेसियस क्लैपेरॉन समीकरण थी, अब आप इसी के कुछ अन्य अवस्थाएं में पढ़ेंगे किसी और स्थिति में क्लेसियस क्लैपेरॉन समीकरण का मान क्या होगा। मान निकालने से मतलब हमारे क्या होता है कि वहां अगर कोई दो प्रावस्थाएं, अब वो दो प्रावस्था, अब आप कुछ भी ले सकते हो प्रावस्था से, मतलब या तो आप क्या ले सकते हो, लिक्विड और सॉलिड भी ले सकते हो, ठीक है, ये भी दो प्रावस्थाएं, या फिर आप सॉलिड और गैस ले सकते हो, वेपर ले सकते हो, ये भी है, या फिर आप लिक्विड और वेपर ले सकते हो, ये सारी आपस में किसी प्रावस्थाएं तो होती है। नॉर्मली तो हम नॉर्मल लाइफ में सबसे इजी जो हम प्रावस्थाओं के उदाहरण देखते हैं वो क्या, जल के ही तो होते हैं, पानी के होते हैं, कौन से, जैसे पानी हमें पता है लिक्विड से, या अगर कोई सॉलिड चीज़ होती है सॉलिड से लिक्विड में बदलती है, जैसे बर्फ होता है, बर्फ पिघल करके पानी में बदलती है, या उसको भी अगर आप बॉयल कर दो तो पानी फिर गैस में बदल जाता है, वेपर में बदलता है,
पेपर को आप वापस संघनित करो तो फिर वो वापस द्रव में बदल जाती है। इस प्रकार से तो सारा क्या है उसकी प्रावस्थाओं में तो परिवर्तन हो रहा है। तो ये एक तरीके से हम इन्हीं प्रावस्थाओं में परिवर्तन देख रहे हैं कि इन दो प्रावस्था परिवर्तनों के दौरान उसके दाब में ताप में क्या संबंध होगा, क्या चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग उसका ग्राफ कैसा आएगा, ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो अब हम इसी में कुछ अलग अलग स्थितियां भी पढ़ेंगे, अलग अलग कंडीशंस में पी और टी का मान क्या होगा प्रावस्था परिवर्तन के दौरान, यही सब। अब हम नेक्स्ट इसमें क्या पढ़ते हैं, ये समीकरण ये आपकी इंपॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट लगा लेना, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस लिखे वहाँ करके देख लेना, किसी में दिक्कत हो तो वहाँ आप मुझे बता देना कोई क्वेश्चन अगर ना हो तो। क्लैपेरॉन समीकरणों का ही एक भाग पढ़ रहे हैं, तो या तो आप इसी में लगा लो या फिर कोई अगला टॉपिक डाल करके भी आप लिख सकते हो। अब हम क्या पढ़ेंगे, द्रव या फिर ठोस के साथ संतुलन में वाष्प, द्रव या दोनों में संतुलन, या तो हम द्रव का वाष्प के साथ में संतुलन देखें तो, या फिर हम ठोस का वाष्प के साथ में संतुलन वक्र देखें कि उस दौरान उसके ताप में या दाब में क्या समीकरण है, क्या उसमें परिवर्तन हो रहे हैं, इन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब कोई पदार्थ होता है, अगर कोई पदार्थ जो है वो वाष्प की ताप तो है मान लो टी, ठीक है, तो वो वाष्प अगर ठोस या फिर द्रव दोनों में से किसी के भी साथ साम्यावस्था में होती है, उस अवस्था में उस पर वाष्प का जो दाब होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। आप लोगों ने वाष्प दाब सुना होगा, आता भी ये टर्म पहले छोटी क्लासेस में तो बहुत आता था, वाष्प दाब वगैरह, है ना। क्या होता है वाष्प दाब, कि कोई भी पदार्थ है अगर उसकी वाष्प का ताप टी है, ठीक है, तो वो ठोस या द्रव दोनों में से, या तो वो ठोस के साथ हम साम्यावस्था की अवस्था देखें या द्रव के साथ किसी के भी साथ, तो जब वो साम्यावस्था की अवस्था में उस ताप पर उस वाष्प के दाब कितना है उसी को हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। चाहो तो लिख लो इस डेफिनेशन को। उस वाष्प पर लगने वाला दाब ही क्या कहलाता है, हमारा वाष्प दाब कहलाता है। अब अभी जैसे हमने सबसे पहले तो हम बात करें हमारी क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण, अभी हमने क्या पढ़ी, देखो अब हम यहाँ पे वाष्प पे दाब की बात कर रहे हैं, हम टॉपिक हमारे क्या पढ़ रहे हैं, ठोस या फिर द्रव के साथ संतुलन में वाष्प, जब हम ठोस द्रव और या फिर वाष्प उनके बीच में हम संतुलन की बात कर रहे हैं, ठीक है, उनके में संतुलन कब रहेगा वो एक तरीके से हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्लासियस समीकरण से हमने क्या पढ़ा,
है हमारा पी बटे में या फिर एल बटे में की डेल्टा भी, दोनों के बीच में क्या आयतन में कितना परिवर्तन है उसके बराबर हो गया, ठीक है ना। या फिर इसको हम कैपिटल एल से भी लिख सकते हैं प्रतिकर्ण, और या फिर प्रतिकर्ण की अगर हम अभी बात ना करें तो टी पर एल बटे में टी इंटू डेल्टा भी, ये हमारी क्या होगी क्लासियस कैपिरोन समीकरण होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने वी वन और वी टू ये दोनों जो बताए हैं, ये दोनों क्रमशः हम ये मान लेते हैं कि द्रव और वाष्प इन दोनों की क्या बता रहे हैं, दोनों की प्रति मोल आयतन को व्यक्त कर रहे हैं। वी वन और वी टू द्रव के और वाष्प के इन दोनों की अगर हम बात करें तो यहाँ आप लिख लो चाहे तो वी वन और वी टू क्या है द्रव व वाष्प के प्रति मोल आयतन, और एल क्या है गुप्त ऊष्मा, एल आपकी क्या हो गई गुप्त ऊष्मा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्योंकि जानते हैं कि अगर हम इसको अगर हम इस रूप में भी लिख सकते हैं समीकरण एक को एल बटे में टी वी टू माइनस वी वन, इस रूप में भी तो हमने लिखा ही था। अब वी वन और वी टू यहाँ पे क्या द्रव और वाष्प इन दोनों का प्रतिमोल आयतन हमें बता रहा है, तो अगर हम वी टू माइनस वी वन से देखें, क्योंकि वी टू माइनस वी वन से वी टू तो किसका आयतन बता रहा है हमें द्रव का, और वी वन हमें वाष्प का आयतन बता रहा है, तो द्रव और वाष्प में से किसका आयतन ज्यादा होता है, ऑब्वियसली वाष्प का आयतन ज्यादा होगा क्योंकि वाष्प तो क्या है वाष्प तो एक गैस के रूप में है, जबकि द्रव तो ठीक है लिक्विड रूप में है, द्रव को अगर हमने किसी पात्र में रख दिया तो उसका आयतन तो उतना हो जाएगा, लेकिन वाष्प तो आपको पता है वातावरण में पूरी में ही फैल जाती है, तो वाष्प का आयतन ज्यादा होगा। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास क्या होगा वाष्प का आयतन क्या है वी वन है, इसका मतलब वी वन आपके पास ग्रेटर ग्रेटर देन होगा वी टू के बराबर, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं एल बटे में टी डेल्टा वी टू के बराबर हो जाएगा समीकरण, लिख लिया इतना, लिख लो एक बार। यहाँ पे अगर हम इस संबंध से देखें वी टू माइनस वी वन में वी वन तो किसका वाष्प का है आयतन, सॉरी वी वन किसका है द्रव का आयतन है, और वी टू हमने माना वाष्प का आयतन है, तो द्रव का आयतन वाष्प की तुलना में तो क्या हम बहुत ज्यादा नगण्य मान सकते हैं, बहुत कम होता है, इसका मतलब वी टू माइनस वी वन बराबर क्या हो जाएगा वी टू, कैसे हो जाएगा क्योंकि वी वन द्रव के आयतन को प्रदर्शित करे जबकि वी टू यहाँ वाष्प के आयतन को, अब यहाँ पे वी वन क्या है जो द्रव का आयतन है वाष्प की तुलना में तो कम है क्योंकि हमने हमें पता है वाष्प का आयतन वाष्प क्योंकि क्या है गैस है, गैस का आयतन ज्यादा होता है, इसलिए हमारे पास समीकरण क्या हो जाएगी डीपी बटे डीटी बराबर एल बटे में टी वी टू। समीकरण दो से गुप्त ऊष्मा किसके रूप में सिर्फ प्रदर्शित होगी वाष्प के रूप में प्रदर्शित होगी हमें, ठीक है ना। अब हम क्या बात कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे वाष्प जो है वो अगर हम ये माने कि वाष्प एक आदर्श गैस की भांति व्यवहार करता है, वाष्प किसकी भांति व्यवहार कर रहा है गैस से वाष्प, और गैस भी अगर हमने माना कि एक आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करता है, तो आदर्श गैस के समीकरण से बराबर आर टी, यहां से हम किसका वी का मान निकाल सकते हैं, वी बराबर कितना हो जाएगा आर टी बटे पी, वी का मान हम इस समीकरण में रखें
पास dp बटे dt बराबर कितना बचेगा? इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, m into p r t square। इसे हम थोड़ा और व्यवस्थित करें समीकरण को, हम इसे dp बटे में p बराबर l बटे r और dt बटे स्क्वायर इस रूप में हम लिख सकते हैं। अगर हम दोनों तरफ क्या समाकलन कर दें, आयतन का समाकलन और दूसरी तरफ हम किसका ताप टेम्परेचर का समाकलन करें, तो हमें क्या मिल जाएगा, डी टी बटे में टी स्क्वायर का समाकलन यहाँ से मिल जाएगा एल एन पी बराबर एल बटे आर माइनस वन अपॉन टी प्लस कॉन्स्टेंट के बराबर। हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका समाकलन एल एन पी बराबर एल बटे आर माइनस वन अपॉन टी प्लस कॉन्स्टेंट अब अगर ये कॉन्स्टेंट है, यदि कांस्टेंट का मान तो हम कुछ भी मान सकते हैं, तो यदि हम कांस्टेंट का मान क्या मान लें, एल एन पी नॉट मान लें, एल एन पी है, हमने एल एन पी नॉट मान लिया, पी नॉट कुछ भी हम प्रारंभिक दाब एक कांस्टेंट वैल्यू है इसके बराबर मान लिया, तो हमारे पास समीकरण क्या बचेगी, एल एन पी बराबर माइनस एल बटे आर टी प्लस एल एन पी नॉट। इसको आप इधर लेके आ जाओ, सॉल्व कर दो, तो एल एन एम माइनस एन कितना एम अपॉन एन के बराबर, मतलब पी बटे पी नॉट। ठीक है, दोनों तरफ अगर हम एंटी लॉग ले लें, एंटी लॉग लेने पर क्या बचेगा आपके पास, पी बटे पी नॉट बराबर e की पावर माइनस एल बटे आर टी या फिर ये हमारे पास आ गया वाष्प दाब का मान, समीकरण नंबर जो भी हो लास्ट आपका वो दे देना। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आया, जब द्रव या फिर ठोस, हमने यहाँ पे द्रव लिया, जब वो वाष्प के साथ में साम्यावस्था में है, तो उस वाष्प पर लगने वाले दाब का मान कितना है, वो वाष्प दाब कितना है, तो P बराबर P नॉट e के पावर माइनस एल बटे आर टी के रूप में। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि इसका मतलब तो वाष्प दाब जो है साम्यावस्था की अवस्था में वाष्प दाब के ताप पर निर्भरता कौन निर्धारित करता है, गुप्त ऊष्मा एल से निर्धारण होता है वाष्प दाब का। साम्यावस्था की अवस्था में वाष्प दाब के ताप पर निर्भरता गुप्त ऊष्मा एल द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है ना, और दूसरी चीज हम यहाँ से ये भी देख सकते हैं क्या कि यदि अगर हम नियत ताप टी मान लो मैंने कॉन्स्टेंट कर लिया, नियत ताप टी के लिए अगर हम यहाँ पे एल जो है गुप्त ऊष्मा का मान, अगर हम नियत रूप से गुप्त ऊष्मा के मान में क्या वृद्धि करें या फिर गुप्त ऊष्मा के नाम में हम परिवर्तन करें, तो हमारा जो वाष्प दाब का मान है वो कैसा होगा, चर घातांकीय रूप से कम होता है। नियत गुप्त ऊष्मा पर, नियत अगर हमने गुप्त ऊष्मा या फिर एल को हमने क्या मान लिया कॉन्स्टेंट, और टी में हम क्या करें निरंतर अगर कमी करते जाए, तो वाष्प दाब का मान क्या होगा, चर घातांकीय रूप से घटेगा। चर घातांकीय रूप से घटने का मतलब जानते हो, कुछ इस प्रकार से चल घातांकीय रूप से एक्सपोनेंशियली कैसा डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है, कम होता जाएगा। तो ये हमें किससे पता चलता है, ये एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हो कि ये क्या, अभी जो हमने क्लासेस क्रैपेरॉन समीकरण पढ़ी थी, एक तरीके से ये उसका एप्लीकेशन है, तो हमने पढ़ा कि उसका यूज हम कैसे ले सकते हैं,
तो यहाँ पे हमने यूज ले करके बता दिया। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इन चीजों को प्रूफ करने के लिए आप क्या क्लासियस लैपेरोन समीकरण का यूज कर सकते हो और इस तरीके से चीजों को प्रूफ कर सकते हो। ठीक, समझ आ गया। अब हम क्लासियस लैपेरोन समीकरण के अलग अलग चीज़ों पर हम इनके प्रभाव पढ़ सकते हैं। जैसे अगर हम जल के लिए ही इसके प्रभाव पढ़ें, तो हम जल के लिए कैसे, जल का अगर क्वथनांक है तो उस पर क्या प्रभाव होगा, अगर हम गलनांक की बात कर रहे हैं तो उस पर क्या प्रभाव होगा, ये सब क्वथनांक गलनांक मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है या उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो उस पर क्या, उसकी वजह से वाष्प पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर हम ताप में कमी करते जाएँ तो हमारा वाष्प ताप जो होगा वो उसके सापेक्ष किस प्रकार होगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। आप केस फर्स्ट लिखो। अभी जो हमने पढ़ा था वो एक तरीके से क्लासियस लैपेरोन समीकरण का ही अनुप्रयोग बोल लो या एप्लीकेशन बोल लो, उसका एप्लीकेशन था, ठीक है। वैसे हमने टॉपिक अलग से वो पढ़ा था किस रूप में, कि हम द्रव या फिर ठोस के साथ में वाष्प की साम्यावस्था के लिए पढ़े तो वाष्प दाब का मान क्या होगा। तो आप चाहो तो उसका एक क्वेश्चन की तरह लिख लो, तो चाहे एक टॉपिक की तरह लिख लो, तो चाहे क्लासियस लैपेरोन समीकरण जो हमने पढ़ा इसके एप्लीकेशन पार्ट के रूप में लिख लो, तो वो चीज़ हो गई अलग, वो हो गया हमारा खत्म। अब ये अगला अपना क्या है, क्वथनांक पर अपन दाब का प्रभाव देखते हैं, क्योंकि उसमें हमने दाब ही निकाला वाष्प दाब, अब उसी दाब का प्रभाव अगर हम क्वथनांक के लिए देखें। क्वथनांक पर दाब का प्रभाव, अब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा, कंफ्यूजन वाली इसमें कोई चीज नहीं है, सारे टॉपिक हमारे अलग अलग हैं, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया जब हमने ये, क्योंकि मैं बीच में इसलिए क्लियर कर देती हूँ क्योंकि क्या है, अभी आप लोग लाइव क्लास में नहीं हो तो कुछ कंफ्यूजन हो भी आप लोगों को, कहाँ कंफ्यूजन होता है या कौन सी चीज में आपको लगता है कि पूरा मिक्सचर कर दिया, वो मुझे भी एक्चुअली में पता चलता नहीं है, तो आप लोग या तो मुझे बता दिया करो कि मैम कि वो टॉपिक आपने पहले पढ़ा दिया, ये टॉपिक बाद में पढ़ाया तो हमें ये समझ में नहीं आया, या फिर हमें पर्टिकुलरली इस टॉपिक में प्रॉब्लम हुई, इस तरीके से, ठीक है ना। अब आप सीधे देखते हो कि मैम पूरा मिक्सचर मत करो या ऐसे मत करो, तो वो चीज़ मुझे भी समझ में नहीं आती कि एक्चुअली मिक्सचर हुआ कहाँ पर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभी हमने जो थर्ड चैप्टर चल रहा है आपकी बुक के हिसाब से, जिनके पास बुक हो वो देख लेना आपका कौन सा अभी थर्ड चैप्टर चल रहा है, जो भी ऑलमोस्ट कम्प्लीट होने वाला है, बस ये तीन चैप्टर थे आपकी फर्स्ट यूनिट में, ठीक है ना। फर्स्ट यूनिट जो भी हम कर रहे हैं मैं आपको यूनिट वाइज करवा रही हूँ। हाँ, एक चीज़ और, आपके फर्स्ट यूनिट में थोड़ा सा पार्ट स्टैटिकल का भी है, अगर आपको उसको देख के कन्फ्यूजन हो रहा हो कि मैम ने ये टॉपिक तो करवाया नहीं है, तो वो आपके स्टैटिकल का पार्ट है। मैंने आपको पहले कहा था, पहले फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि पहले हम थर्मो वाले पार्ट दोनों करेंगे जो आपकी फर्स्ट सेकेंड यूनिट में, और थर्ड फोर्थ यूनिट जो है वो दोनों है आपकी स्टैटिकल की। तो जब मैं स्टैटिकल स्टार्ट करूंगी तब मैं आपकी फर्स्ट यूनिट में कुछ दो चार टॉपिक है वो करवा दूंगी, उस टाइम भी मैं आप लोगों को बता दूंगी कि ये टॉपिक आपके वहाँ के हैं, आप एक साथ पढ़ लो, तो चाहे आप उसको फर्स्ट यूनिट डाल के पढ़ना चाहो तो जैसे भी, ठीक है। यहाँ अभी हम थर्ड चैप्टर हमारा कर रहे हैं जिसमें हमने कुछ नई नई चीजें पढ़ी, कौन सी, उष्मागतिकीय विभव हमने पढ़े चारों, उसके बाद हमने कल हमने रासायनिक विभव जैसे पढ़ा था, आज हम उस रासायनिक विभव के बाद में हमने आज क्लासियस लैपेरोन समीकरण पढ़ी, अब हम उसका एप्लीकेशन पार्ट पढ़ रहे हैं, या फिर क्वथनांक पर दाब का प्रभाव क्या है, गलनांक पर, ये सारे हमारे टॉपिक इसके अंतर्गत आ रहे हैं, ये सारे अभी क्लासियस लैपेरोन समीकरण के अंतर्गत आ रहे हैं, ठीक है ना, अभी उसी के अंतर्गत आ रहे हैं आपकी ये। और इसके बाद में अभी आप एक दो ये केस फर्स्ट सेकंड पढ़ोगे, उसके बाद में एक आपका बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा ट्रिपल पॉइंट का, वाटर का ट्रिपल पॉइंट, आपकी बुक में भी अच्छा खासा टॉपिक है और आपको समझ में भी बहुत अच्छे तरीके से आएगा, जिसमें हम पानी जो होता है उसके लिए त्रिक बंधु कैसे बनता है और उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसमें ज्यादा कुछ लिखने वाली चीज नहीं है, पूरा आप बस समझना, समझ में अच्छे तरीके से आना चाहिए, समझ में आ जाएगा तो आप बस उसमें लिखने में, तो सिर्फ थ्योरी है इसलिए मैं उसको लिखवाऊंगी नहीं, क्योंकि उसमें लिखने जैसा कुछ भी नहीं है, पूरी थ्योरी थ्योरी में लिखवा दूँ उसका मतलब नहीं है, आप लोग बस ग्राफ है उसमें, उस ग्राफ को अच्छे से समझना, वो टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपकी बचेगी मैक्सवेल समीकरण, मैक्सवेल समीकरण बिल्कुल छोटा सा ही टॉपिक है, उसमें कुछ खास नहीं है, चार समीकरण है वो हम पढ़ लेंगे, तो ये पूरा आपका थर्ड
चैप्टर का चल रहा है और पूरा सीक्वेंस वाइज है, इसमें कुछ भी आपका मिक्सचर नहीं है। अगर मिक्सचर कुछ लग रहा है तो कौन सा टॉपिक आपको लग रहा है कि ये मैंने मिक्सचर कर दिया है, या तो आप वो चीज़ बता दिया करो, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? अब अगर हम पथनांक पर हम दाब के प्रभाव की बात करें तो पथनांक हमारा कब आता है? पथनांक का मतलब आप समझते होंगे, बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट जब हम वाटर को उबालते हैं, बॉयल करते टाइम जो हमारा जो उसका जो हाईएस्ट पॉइंट आता है, जिसके हम कहते हैं कि जब वो जो भी द्रव होता है वो अपने सारे उसके जो भी बल या उसके जो भी बंधन होते हैं उन सबको तोड़कर उनसे मुक्त हो जाता है, वहां पर क्या होता है, बाष्प में बदलना शुरू हो जाता है, उसको हम क्या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट पे प्रभाव पड़ने का मतलब ही क्या है कि यहाँ पे हमारा द्रव और वाष्प ये दोनों कैसे होंगे, साम्यावस्था में होंगे। द्रव और वाष्प इन दोनों में साम्यावस्था पड़ेंगे हम तभी तो बता सकते हैं ना कि क्या प्रभाव होगा इस पर, क्योंकि द्रव से ही तो वाष्प बनेगी हमारी, ये निशान होता है साम्यावस्था का। आप पूरा इतना लिखना नहीं चाहो, साम्यावस्था इतना पूरा, तो आप कोई भी दो जो भी प्रावस्था उनके बीच में ये निशान लगा दो, इसका मतलब सब समझते हैं कि ये साम्यावस्था का है, ठीक है। आपको इसमें लिखने की जरूरत नहीं है कि ये निशान किसको प्रदर्शित कर रहा है ना। तो अब बॉइलिंग पॉइंट हम नॉर्मली तो हम पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या लेते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर लेते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता होगा, पता होगा क्या होता है। अब हमें तो उस पर दाब के प्रभाव होने पड़ना है, तो दाब का प्रभाव हम किसके पड़ेंगे, ऑब्वियसली हमारी क्लासेस कैपिरोन समीकरण जो कि क्या है, dP/dt बराबर L/T Δv के बराबर है। वी डेल्टा भी आयतन में परिवर्तन, अब यहाँ किन के आयतन में परिवर्तन होगा, तो हमारे पास एक तो वाष्प द्रव से वाष्प बन गई, इसका मतलब क्या, Vg-Vl, यहाँ पे जी का मतलब है गैस जो वाष्प के लिए प्रयुक्त हो रही है और एल का मतलब लिक्विड मतलब कि द्रव। अब आपको इसमें पता है Vg और Vl में ज्यादा आयतन किसका होगा, फिर से वही वाली बात है कि गैस है और ये लिक्विड है तो गैस का आयतन ऑब्वियसली सी बात है ज्यादा होगा, इसका मतलब Vg-Vl करें तो Vg कंपेयर में Vl का आयतन तो कैसा होगा, नगण्य होगा। इसका मतलब dP/dt बराबर क्या हो गया, L/T Vg, मतलब एक तरीके से वाष्प दाब में जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन हमारे पास कैसा पॉजिटिव आएगा, मतलब क्या, अगर यहाँ पे L बड़ा होता तब तो पूरी चीज हमारे पास नेगेटिव, इसका मतलब परिवर्तन ही हमारे पास कैसा होगा, dP/dt बराबर पॉजिटिव। धनात्मक आने का मतलब क्या हो गया कि इसका जो हमारे पास जो स्लोप आ रहा है, इसका जो ग्रेडियंट है या इसमें ताप के सापेक्ष दाब में जो परिवर्तन की दर है वो कैसी होगी, धनात्मक होगी। बस यही चीज इसमें समझने वाली है कि यहाँ पे क्या हम ये कह सकते हैं, या फिर कोई कथांक टी है तो उस पर अगर डेल्टा पी धनात्मक है तो इसका मतलब डेल्टा टी भी धनात्मक है, हम कह सकते हैं दोनों पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, यहाँ पे डेल्टा पी धनात्मक है और डेल्टा टी ये दोनों भी धनात्मक है, तो इसको या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि इसका मतलब अगर हम दाब में वृद्धि कर रहे हैं तो उसके क्वथनांक में भी वृद्धि होगी, ठीक है ना, कि दोनों ही समानुपाती है। एक तरह से आप यहाँ ये भी लिख सकते हो ना कि dP बराबर या प्रोपोर्शनल लिख सकते हो dT के, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका, अगर दाब और ताप दोनों ही धनात्मक है इसका मतलब अगर आप इसको बढ़ा रहे हो तो ये भी बढ़ेगा और अगर आप इसको घटाओगे तो ये भी घटेगा, तो ये आपका वाष्प दाब का प्रभाव होता है किसके लिए, क्वथनांक के लिए। और हम किसकी सहायता से निकाल सकते हैं इसको, क्लासियस कैपिरोन समीकरण की सहायता से, तो इसका मतलब ये आपको एक और इसका अनुप्रयोग मिल गया, एक और इसके एप्लीकेशन मिल गई कि हम वाष्प दाब निकाल सकते हैं इसकी सहायता से, ठीक है। नोट करना चाहो तो कर लो, ऐसे ही दूसरा प्रभाव अगर हम केस टू देखें तो अब हम किस पे गलनांक पर दाब का प्रभाव देखेंगे।
देखो केस टू गलनाम पर। हाँ ये सब चीजें आती हैं आपके एग्जाम में, इसलिए ऐसे मत मानना कि ये सब चीजें ऐसे ही हैं, ठीक है ना। आती है, इम्पोर्टेंट है कभी वो, क्योंकि इन चीजों में क्या होता है शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं वो हाफ मार्क्स वाले, और कहाँ से पूछ लेंगे आपको उस टाइम पता भी नहीं चल पाता है कि अच्छा यही चीज पूछी थी क्या, इजी चीज होती है लेकिन, है ना। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, ये आप हाफ मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है उनके लिए तैयार रखा करो। अब गलनांक से मतलब क्या होता है कि जब वो अपने गलन की तरफ जाता है, ठीक है, या जब सॉलिड होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब यहाँ पे कौन साम्यावस्था में होगा, सॉलिड और लिक्विड। मतलब ठोस और द्रव, ठोस द्रव, ये दोनों साम्यावस्था में। तो यहाँ अगर हम क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण से देखें, डीपी बटे डीटी बराबर कितना हो जाएगा, एल बटे में टी डेल्टा बी, जिसका मान कितना होगा एल बटे में टी डेल्टा बी। तो यहाँ पे किस ठोस से द्रव में अगर कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि वी एल माइनस वी एस के बराबर, लिक्विड के लिए आयतन और सॉलिड के लिए आयतन। तो हमें पता है कि अब इन दोनों में किसका आयतन ज्यादा होगा, ऑब्वियसली सी बात है लिक्विड का आयतन ही ज्यादा होता है, वी एल ग्रेटर ग्रेटर देन होता है वी एस। सॉलिड का वैसे तो आयतन होता ही नहीं है, सॉलिड का तो क्या होता है क्षेत्रफल होता है, इतना तो पता है ना। आयतन लिक्विड का या गैस का होता है, जबकि क्षेत्रफल किसका होता है सॉलिड का होता है, क्योंकि वो आयतन नहीं घेरती। लेकिन फिर भी अगर हम आयतन देखते भी हैं तो किसका, लिक्विड का ही ज्यादा होता है इन दोनों में। इसका मतलब यहाँ भी हमारे पास डीपी बटे डीटी बराबर क्या आ जाएगा, एल बटे में टी वी एल। मतलब हम कह सकते हैं कि ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव धनात्मक। मतलब यहाँ भी सेम है कि अगर हम दाब में उसकी वृद्धि करते हैं तो ताप में भी वृद्धि होगी, दाब में कमी करते हैं तो ताप में भी वृद्धि होगी। मतलब दोनों में जो परिवर्तन है वो कैसा, एक समान और धनात्मक रहेगा। अब यहाँ पे एक जो अच्छी समझने वाली चीज क्या है, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये हमने किसके लिए पढ़े हैं, ये तीनों पॉइंट जल के लिए पढ़े हैं हमने। मैंने पहले ही बताया था ये जो दोनों केस लिखे, चाहे तो इससे ऊपर आप लिख भी लो, जल के लिए है ये सारे। क्यों? क्योंकि आप कौन सा पदार्थ ले रहे हो उसके हिसाब से कई बार ये प्रभाव चेंज भी हो जाते हैं। कैसे चेंज होते हैं वो हम यहीं से देखते हैं, ठीक है। कि अभी आपने जल के लिए पढ़ा तो आपको पता है कि जल से क्या होगा, कोई लिक्विड है, कोई ठोस है, अगर मान लो ठोस पिघल करके नॉर्मल लिक्विड में बदल गया है, या मतलब लिक्विड को हम अभी पानी की तरह हम ले रहे हैं, ठीक है। तो उस अवस्था में तो हमारे लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर यही एग्जाम्पल अगर हम बर्फ के लिए देखें, तो बर्फ के लिए क्या आप लोगों को पता है कि बर्फ जो होती है सॉलिड अवस्था में है, हमें पता है हम ठोस में उसको मानते हैं, अगर हम उसको पिघला देते हैं तो वो जब जल में बदल जाती है तो वो द्रव अवस्था में हो जाती है, ठीक है ना। बर्फ ऐसा है कि बर्फ में जब ये बर्फ खुद कैसा ठोस अवस्था में होता है तब इसका आयतन ज्यादा होता है, और जब ये पानी में बदल जाता है लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है तब इसका आयतन कम हो जाता है। मतलब बर्फ के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, बी एस ग्रेटर देन हो जाएगा बी एल। ध्यान रखना है ये स्पेशल एग्जाम्पल है और इंटरेस्टिंग चीज है, कभी आपने ध्यान दिया हो तो, कि बर्फ जब खुद के साइज क्यूब के रूप में जब रहता है सॉलिड अवस्था में रहता है तब तो इसका आयतन ज्यादा होता है, इसका आयतन तब ज्यादा होता है, और जबकि क्या होता है जब पानी में बदल जाता है हमने इसको पिघला दिया तो इसका आयतन कैसा कम हो जाता है। इसलिए यहाँ पे बी एस ग्रेटर देन बी एल। तो अगर बर्फ के लिए मैं यही मान देखू डीपी बटे डीटी, तो बी एस बी एल से ज्यादा होगा, बी एल ज्यादा होगा बी एल से, तो इसका मतलब ये मान कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। उस अवस्था में ये मान हो जाएगा नेगेटिव। इसका मतलब अगर हम दाब में वृद्धि करेंगे तो ताप कम होगा, और ताप में वृद्धि करेंगे तो ताप कम होगा। मतलब दोनों कैसे एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएंगे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिशा में जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया, अच्छी चीज थी ना ये। क्यों? यहाँ से आपको कुछ एक स्पेशल कुछ अलग सी चीज तो सीखने को मिली, कि यहाँ पे बर्फ के लिए आप लोगों को हो सकता है कुछ को पता हो कुछ को पता नहीं भी हो, कोई बात नहीं। तो उसमें यही होता है कि बर्फ जब ठोस अवस्था में होता है तो उसका आयतन ज्यादा होता है लिक्विड में, जबकि बाकी द्रवों में ऐसा नहीं होता, द्रव के रूप में होता है तब उसका आयतन ज्यादा होता है, ठोस में बदलने के बाद उसका आयतन कम हो जाता है। लेकिन बर्फ के लिए केस अलग है, तो यही मान डीपी बटे डीटी भी आ जाता है। तो आप चाहो तो इन दोनों को लिख लो, केस सेकेंड में ये ए डाल के लिख लेना और ये बी।
मान लेना ठीक है। ए तो किसके साधारण जल या कोई भी हम साधारण एग्जाम्पल, और जबकि बी किसके लिए हम दे रहे हैं स्पेशली बर्फ के लिए। बर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे कुछ और एग्जाम्पल भी होंगे, मुझे अभी कोई और ऐसे ध्यान नहीं है, बट बर्फ तो ऐसा होता ही है। तो ये आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, क्लैसियस लैपेरोन समीकरण। सबसे पहली बात कि इस समीकरण में आप इन दोनों के मध्य में संबंध बताते हो दाब और ताप पर, या फिर टी ताप पर किसी भी वाष्प का वाष्प दाब कितना है, इन दोनों पर इसके क्या क्या प्रयोग होते हैं वो आपने देख लिए। चाहे हमें गलनांक पर दाब का प्रभाव देखना हो, क्वथनांक पर दाब का प्रभाव देखना हो, या कोई साम्यावस्था में किसी ठोस की या फिर द्रव की या फिर वाष्प की किसी की भी हमें दाब के मान निकालना हो, इन सबके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, है ना। देखो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, त्रिक बिंदु। टॉपिक अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम में एक दो बार तो आया हुआ है, अभी रिसेंटली आया है कि नहीं ये मुझे पता नहीं, तो या तो आप लोग देखना, मुझे पता चलेगा तो मैं देख करके बता दूंगी ठीक है। दूसरी चीज़ कि इसमें मैं आप लोगों को थ्योरी नहीं लिखवाऊंगी इसकी, क्योंकि इसमें कुछ डेरिवेशन वाली चीज़ नहीं है। तो आप लोग कहते हो ना कि एक्सप्लेन करके पढ़ाओ डिटेल में, तो इसमें आप एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ोगे, मैं इसमें बस आपको एक्सप्लेन करके ही बताऊंगी इसकी थ्योरी नहीं, क्योंकि थ्योरी थ्योरी है बस, कुछ डेरिवेशन जैसा है नहीं लिखवाने का। तो जो भी ग्राफ आप पढ़ोगे बस उसको अच्छे से समझ लो। इस टॉपिक को तो मैं बोलूँगी कि आपको बाद में पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, बस हाँ एक बार यहीं पे अच्छे से पढ़ लेना तो बाद तक भी आपको कैसे अच्छे से ये ध्यान रह जाएगा ठीक है ना। ट्रिपल पॉइंट, तो सबसे मेनली जो हम ट्रिपल पॉइंट यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, हो सकता है अलग अलग पदार्थ के लिए हमें मिलता हो ट्रिपल पॉइंट ठीक है, अलग अलग प्रकार का होता हो। ट्रिपल पॉइंट कहते हैं किसको है, आपको नाम से क्या पता चल रहा है कि जहाँ पे तीन बिंदु आपके मिलते हो, जहाँ आपके तीन बिंदु मिलते हो, इसका मतलब नॉर्मली तो हम उसे ही बोलेंगे त्रिक बिंदु ठीक है ना। यहाँ हम किसके लिए पढ़ेंगे, पानी के लिए, जल के लिए हम पढ़ेंगे, जल के लिए। अब आपको पता है जल की तीन अवस्था होती है, कौन सी, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, अब इन तीनों अवस्थाओं में क्या होता है, आपस में इनमें साम्यावस्था भी होती है। ठोस से द्रव में बदलता है, द्रव से गैस में बदलता है, गैस को वापस संघनित करते हैं द्रव में बदल जाता है, द्रव को वापस आप जमा दो ठोस में बदल जाता है। कुछ ऐसे एग्जांपल होते हैं जहाँ ठोस से सीधे गैस में भी बदल जाता है ठीक है ना। तो इस प्रकार के, तो इनमें क्या हो रही है, ये सारी क्या है एक्चुअली में, बीच में प्रावस्था में परिवर्तन ही तो हो रहा है, चाहे हम इन दोनों में बदलें चाहे इन दोनों में, हो तो क्या रहा है प्रावस्था परिवर्तन। ठीक है, प्रावस्था परिवर्तन मतलब गुण वही है पदार्थ का भाई, आप चाहे वाष्प ले लो, चाहे जल ले लो, चाहे आप बर्फ ले लो, उन तीनों में क्या पदार्थ का गुण तो वही होता है, होता तो वही H2 ही है, लेकिन उन्होंने अपना अपना फॉर्म चेंज कर लिया, अपना अपना रूप चेंज कर लिया। तो रूप कैसे चेंज कर लिया उन्होंने, उन्होंने अपने अंदर कुछ ना कुछ अपनी प्रावस्थाओं में परिवर्तन किया ठीक है। उस प्रावस्थाओं के आधार पर ही हमें उनके लिए, जब हम पानी के लिए अगर हम उसके ताप और दाब इन दोनों में, पी में और टी में अगर हम एक रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन हम इसे क्लैसियस लैपेरोन समीकरण के द्वारा ही, अगर हम जल के लिए समीकरण निकालते हैं तो हमें इसमें क्या हुआ, एक ग्राफ मिला, एक हमें वक्र मिला, बड़ा ही अच्छा सा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा वक्र मिला, जिसमें हमने देखा कि तीन हमें वहां पे प्रावस्था के वक्र मिलते हैं, तीन वक्र मिलते हैं हमें अलग अलग प्रावस्था के ठीक है। कौन सा वक्र किसका होता है वो बताना, तीनों वक्र कहाँ मिलते हैं वो बताना, किसी एक के सापेक्ष दूसरे में क्या परिवर्तन हो गया है वो बताना, अगर हम दाब के सापेक्ष ताप में वृद्धि करें चाहे कमी करें तो दाब में क्या परिवर्तन होगा वो बताना, यही सब है इस टॉपिक में ठीक है। और ये तीनों बिंदु जहां मिलते हैं इनकी प्रावस्थाओं के, उसी को हम क्या बोलते हैं, त्रिक बिंदु बोलते हैं ठीक है। समझ में आ गया इतना तो। तो सबसे पहले तो हम वो ग्राफ देखते हैं, हमने पी ले लिया प्रेशर,
यहाँ हमने टी ले लिया टेम्परेचर, ठीक है, पी और टी। ये तो बनता है हमारा वो ग्राफ, ठीक है। अब इसमें कौन सी चीज किस चीज को प्रदर्शित कर रही है हम उसकी बात करते हैं। इसमें तो सबसे पहले हम इन सबको नाम दे देते हैं अलग अलग। मान लो एक वक्र ये बना, इसको हमने नाम दे दिया ए बी, इस वक्र को हमने नाम दे दिया सी डी, इस वक्र को हमने नाम दे दिया ई एफ, ठीक है, नाम दे दिया हमने इजीली। अब इसमें से कौन सा प्रदर्शित किसको कर रहा है, तो यहाँ पे हम तीनों, हम ये किसके लिए पढ़ रहे हैं, जल के लिए पढ़ रहे हैं, तो जल की तीनों अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है। तो तीनों अवस्थाएं कौन सी, यहाँ पे हम लेते हैं ठोस, ये द्रव और ये वाष्प, ये तीनों तो हो गए इसकी अवस्था। अब ये वक्र किसको प्रदर्शित करता है, बर्फ रेखा को, इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, बर्फ रेखा, ठीक है। ये रेखा हमारी किसको प्रदर्शित करती है, बर्फ रेखा को। वैसे ही हमारे पास ये रेखा, क्योंकि यहाँ द्रव से वाष्प में बदलता है, तो ये रेखा किसको प्रदर्शित करती है, भाप रेखा को, ठीक है। और ऐसे ये जो हमारी रेखा है ये किसको प्रदर्शित करती है, हिम वाष्प रेखा को। हिम, हिम मतलब बर्फ समझ गए, क्योंकि वाष्प के बाद वापस सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तो हिम वाष्प रेखा। हिम वाष्प रेखा, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पे आप देखो यहाँ पे परिवर्तन कैसे हो रहा है, आपको नॉर्मली पढ़ने पर ये चीज तो आपको समझ में आई गई होगी कैसे, कि ये इनके एरो हमने लगा दिए कि ताप और दाब में हमने क्या परिवर्तन बता रखा है, किसके लिए, जल के लिए, कि दो तीनों अलग अलग प्रावस्थाएं किस तरीके से बनती है, इन तीनों प्रावस्थाओं में क्या क्या चेंज होता है, डीपी बटे डीटी के मान अभी हमने पढ़े थे, दो जल के लिए हमने डीपी बटे डीटी पढ़ा था। तो हमने एक तो किसके क्वथनांक के लिए पढ़ा था, जब ठोस से द्रव बदलेगा, तो वो हमने वहां पर डीपी बटे डीटी बराबर कैसे आया था हमारे पास, पॉजिटिव, तो यह हमने पॉजिटिव लगा लिया। ऐसे एक हमने गलनांक के लिए पढ़ा, तो यहाँ भी हमारे पास डीपी बटे डीटी कैसे आया, पॉजिटिव, ये भी हमने पॉजिटिव मान लिया, ठीक है। अब हम सबसे मेन तो बात करते हैं कि यहाँ पे परिवर्तन कैसे होता है, ताप और दाब इन दोनों के मध्य में परिवर्तन कैसे होता है। अब देखो जैसे कि अगर हम इस पंक्ति के लिए, सॉरी इस वक्र के लिए ये किसको प्रदर्शित करती है, टेम्परेचर, इसको हम लिखते हैं टीसी, और ये प्रेशर होता है पीसी। पीसी या टीसी का मतलब क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर या फिर क्रांतिक दाब। और ऐसे यहां क्या हो जाएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर, या फिर क्रांतिक ताप। क्रांतिक दाब और क्रांतिक ताप, तो ये पूरा ये जो एक ग्राफ है, इस पूरे ग्राफ में ये पूरी कहानी आ गई जल से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड, कि पानी में कैसे कैसे क्या क्या तो चेंज होता है, और उसके अनुसार उसमें क्या क्या वक्र आता है। अब उन वक्र के हिसाब से उसमें परिवर्तन क्या क्या होता है, हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे आप इसमें से एक एक वक्र पे ध्यान दो, सबसे पहले जैसे मान लो हम इस ए बी वक्र की बात करें, ये हमारा ए बी वक्र, ठीक है। इस वक्र में आप क्या देख रहे हो, यहाँ की तरफ हम क्या है, यहाँ हमारा प्रेशर हम बता रहे हैं, यहाँ जबकि हम टेम्परेचर बता रहे हैं। आप एक एक वक्र को यहाँ पे देखोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ऊपर की तरफ जाने का मतलब हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रेशर में तो वृद्धि हो रही है, दाब में हम वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन हमारा वक्र ऊपर जाने के साथ साथ थोड़ा इधर झुका हुआ है, ठीक है ना, इधर की तरफ आता जा रहा है हमारा वक्र। एक तो होता है ऐसे सीधे जाना, और एक इस तरीके से घूम के जाए, मतलब इसमें हम वृद्धि कर रहे हैं लेकिन ग्राफ हमारा इधर जाता जा रहा है, मतलब इधर की तरफ जो टेम्परेचर है ये हमारा कम की तरफ होता जा रहा है, मतलब इसके लिए
ए बी वक्र के लिए हम क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम दाब में वृद्धि करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा। अब बात किसके लिए हो रही है, ठोस से द्रव में बदलने की बात हो रही है, क्योंकि ए बी वक्र किन दोनों के बीच में है, ठोस और द्रव के बीच में है, ठीक है। इन दोनों वक्र के बीच में हम इसको किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसका मतलब हम जैसे ही दाब हम जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं उसके लिए इसका जो गलनांक होगा गलनांक में कमी होती जा रही है। क्यों? ठोस से द्रव में बदलने के लिए उसका गलनांक होना चाहिए, तो वैसे वैसे इसके गलनांक में क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है। समझ में आया? जैसे जैसे हम यहाँ पे दाब बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, इसका जो ताप है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक बात समझ में आ गई? अब ऐसे ही अगर आप इस वक्र को देखो, सीढ़ी वक्र को देखो, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, या हम ये बोले जैसे जैसे हम दाब बढ़ाते जा रहे हैं, तो दाब का मान जैसे हमारा ये है, दाब का मान हम जैसे जैसे यहाँ से बढ़ाते जा रहे हैं ऊपर की तरफ, अब वैसे वैसे हमारे ये ग्राफ किधर शिफ्ट हो रहा है, पी में पॉजिटिव साइड शिफ्ट होता जा रहा है, सॉरी टी में पॉजिटिव साइड शिफ्ट होता जा रहा है, मतलब हमारा टेम्परेचर भी धीरे धीरे कैसा बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं इस वक्र के लिए, भाप रेखा के लिए हम क्या कह सकते हैं कि इसका मतलब जैसे जैसे हम दाब का मान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा ताप भी बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, दाब बढ़ाने के साथ साथ उसके लिए जो पतनांक बिंदु है वो कैसा होता है, बढ़ता जा रहा है। समझ में आ गया? तो डीपी बटे डीटी, इसलिए हमारे पास पॉजिटिव आ गया। इसीलिए अब ये लाइन जो होती है किसको प्रदर्शित करती है, ठोस से द्रव में प्रदर्शन, मतलब कि इसलिए ये रेखा जो है इसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमने इस पे दाब बढ़ाया हमारे पास इसमें ताप में धीरे धीरे कमी होती जा रही है, मतलब कि वो अपने ताप को नहीं बढ़ाएगी, केवल हम उस पे दाब बढ़ाते जा रहे हैं, इसलिए उस रेखा को हमने किससे प्रदर्शित किया, बर्फ रेखा से। इसी प्रकार से द्रव और वाष्प में बनने वाली रेखा को किससे प्रदर्शित किया, भाप रेखा से। और ये रेखा किन दोनों के बीच में बन रही है, हिम और वाष्प के बीच में, इन तीनों को बोलते हैं हिम वाष्प रेखा, इस लाइन को, ठीक है। और ये जो पॉइंट होता है इन तीनों बिंदुओं को मिलाने वाला पॉइंट, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट। ये है हमारा ट्रिपल पॉइंट। या त्रिक बिंदु, इस त्रिक बिंदु से आप क्या समझ रहे हो, इसका मतलब देखो ए बी वक्र के लिए तो क्या है, ठोस और द्रव साम्यावस्था में हम ये कह सकते हैं, या फिर सी डी वक्र के लिए क्या है, द्रव और वाष्प साम्यावस्था में हम ये कह सकते हैं। ऐसे ई एफ वक्र के लिए क्या है, वाष्प और ठोस, ये दोनों फिर साम्यावस्था में। त्रिक बिंदु वो बिंदु होता है जहाँ पे ठोस द्रव और वाष्प ये तीनों वक्र एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ पर ये तीनों वक्र ही क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं और आपस में हम एक तरह से ये बोले साम्यावस्था में होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिक बिंदु कहते हैं। ये बिंदु जो होता है बहुत यूनिक होता है, क्योंकि हर ग्राफ के लिए, जल के लिए बिंदु है तो ये एक बिंदु ही मिलेगा, ऐसा नहीं आपको कहीं और भी ट्रिपल पॉइंट मिल जाएगा, तो ये बहुत ही यूनिक बिंदु होता है। यूनिक इसलिए भी होता है क्योंकि जैसे अगर मैं इस वक्र के लिए बात करूं तो सॉलिड और लिक्विड के बीच में, तो यहाँ पे क्या होगा, जी एस बराबर जी एल होगा। अगर मैं गिब्स फलन की बात करूं, लिक्विड और वेपर की मैं बात करूं, तो यहाँ पे जी एल बराबर जी वी होगा। गिब्स ऊर्जा हमने बताया था दो प्रावस्थाओं के बीच में परिवर्तन के लिए, गिब्स ऊर्जा भी तो बराबर होनी चाहिए ना, ये दोनों बराबर है। या ऐसे ही मैं इन दोनों के लिए वाष्प और सॉलिड के लिए बात करूं, तो यहाँ पे जी बी बराबर जी एस होगा, ठीक है। लेकिन ट्रिपल पॉइंट पे क्या होगा, ट्रिपल पॉइंट पे आपका जी एल बराबर जी एस बराबर जी बी होगा, मतलब सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों के लिए ही आपका गिब्स फलन का मान या गिब्स ऊर्जा का मान बराबर होगा इस बिंदु पर, त्रिक बिंदु पर। त्रिक बिंदु पर आपके इन तीनों का मान ही कैसा होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, एक तो पानी के अगर हम क्वथनांक की बात करें, तो क्वथनांक तो यहाँ से कैसा हो रहा है, दाब में जैसे जैसे वृद्धि कर रहे हैं क्वथनांक यहाँ वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही अगर हम गलनांक की बात करें, दाब में जैसे जैसे वृद्धि कर रहे हैं हमारा गलनांक यहाँ कम होता जा रहा है, ठीक है। और ये रेखा किसको, हिमवाष्प रेखा को प्रदर्शित कर ही रही है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा कर्व है, ये कर्व हमारा पूरा के पूरे कैसा, पानी पानी में क्या क्या चेंज होता है, किस अवस्था के अंतर्गत क्या चेंज होता है, उसमें वाष्प में और दाब में क्या संबंध होता है, इस पूरे संबंध को प्रदर्शित करता है ये एक सिंगल ग्राफ। तो आपके अगर पेपर में आएगा ट्रिपल पॉइंट क्या है उसे समझाइए, तो आपको पूरा ये ग्राफ बनाना पड़ेगा। जल की तीन अवस्थाएं होती है, वहां से आप शुरू करो, ये ग्राफ बनाओ, इसमें कौन सा वक्र किसको प्रदर्शित कर रहा है, कि दोनों के बीच में हमें क्या प्रावस्था बताई हुई है, यहाँ पे गिब्स फलन का मान क्या होगा, ट्रिपल पॉइंट कहाँ मिला, ये यूनिक पॉइंट होता है, इस पॉइंट की क्या विशेषता होती है, ये सारी की सारी चीजें आपको इसमें बतानी पड़ेगी।
ये सारी की सारी ही चीजें ट्रिपल पॉइंट में आपकी मेंशन होगी। तो मैं इससे रिलेटेड कुछ लिखवा आपको इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखवाने जैसा कुछ नहीं है। मैंने आपको जो चीजें बताई हैं यही की यही आपको लिखनी है, वही आप लिखते जाओगे तो आपको पता है थ्योरी में अच्छी खासी अपन लिख ही लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। तो आप तो इस चीज को समझ लो, अगर कोई ये ग्राफ बनाना चाहते हो इस ग्राफ को बना लो और उसके बाद घर पे इसको वापस देख लेना, कुछ भी समझ में नहीं आए तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है? इसको चाहो तो आप लोग बना लो ग्राफ को। तो समझ में आ गया, मुझे तो बोल के मेरे तो गर्दन में थोड़ा दर्द भी होने लग गया। बट हाँ, इस चीज को वापस से मैंने बता दिया कि ठोस, द्रव और गैस किस बिंदु पर साम्यावस्था में होंगे, इस त्रिबिंदु पर साम्यावस्था में होंगे। और यहाँ की स्पेशल कंडीशन क्या होगी कि यहाँ पे तीनों गिब्स ऊर्जा फलन जीएस और जीवी तीनों का मान ही कैसा होगा, बराबर होगा। उसके अलावा ये तीनों वक्र किस किस को प्रदर्शित करते हैं, इनके नाम क्या है, बर्फ रेखा, भाप रेखा या फिर हिमबाष्प रेखा के नाम से इनको प्रदर्शित करते हैं। और अगर हम इन पे आप ज़्यादा लिखना चाहो तो आप इस पे वही क्लासेस का फिर उन समीकरण से dp/dt पॉजिटिव कैसे आया है यहाँ पे पॉजिटिव, तो अभी जो हमने गलनांक और अपनांक का प्रभाव पढ़ा था उसको चाहो तो आप उसको भी इसके साथ मेंशन कर सकते हो। तो अगर ये मैं उस केस में बता रही हूँ, अगर मान लो ऐसा लगता है आपको एग्जाम में कि भाई क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का आया, हमें थोड़ा और लिखना चाहिए, तो dp/dt पॉजिटिव कैसे आया वो भी आप वहाँ से लिख करके बता दो। ये पूरा आपका हो जाएगा त्रिबिंदु का टॉपिक कंप्लीट। त्रिबिंदु के साथ आपका क्लासेस कैपिरोन समीकरण से रिलेटेड पूरा टॉपिक कंप्लीट। अब हमारे पास सिर्फ एक चीज बचा है हमारी फर्स्ट यूनिट का, क्या, मैक्सवेल समीकरण है, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो उसमें मैक्सवेल समीकरण है वो आपका छोटा सा है, उसके अलावा उससे रिलेटेड एक दो जो आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह आए हुए हैं या आ सकते हैं ऐसे कुछ अगर मुझे मिले तो वो भी करवा दूंगी। और ये हमारा कल हो जाएगा, हाँ कल हमारा हो जाएगा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट, ठीक है? उसके बाद में हम सेकेंड यूनिट, दो यूनिट हमारी थर्मो की है, उसके बाद में हम चलेंगे स्टैटिकल में। ऐसे आप लोगों का सिलेबस काफ़ी लेंदी सा है आपकी, क्योंकि एक यूनिट में ही थर्मो की काफ़ी सारी चीज़ें आ गई। आप देख लो, आपने ऊष्मागतिकी का जीरो नियम, शून्यता का नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, ये तीनों नियम आपने पढ़ लिए, मैक्सवेल समीकरण पढ़ ली, क्लासियस लेपिरोन समीकरण पढ़ ली, ऊष्मागतिकी विभव क्या है या आपका रासायनिक विभव क्या है ये सारी चीज़ें पढ़ ली आपने, कार्नो इंजन पढ़ लिया, हीट इंजन पढ़ लिया, ये सब। और इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, मैं आपको बाद में बता भी दूंगी। ऐसे आप खुद भी देख लो, देखो आपका कार्नो इंजन है। मेरे अकॉर्डिंग में ये नहीं बोलूंगी कि सिर्फ यही टॉपिक कंप्लीट करो, लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है आपका कार्नो इंजन हो गया, हीट इंजन में भी कुछ एक मान लो, हीट इंजन हो गया, उसके अलावा आपका ये क्लासियस कैपिरोन समीकरण, क्लासियस कैपिरोन इक्वेशन आपकी हो गई, उसके अलावा आपकी मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन आई थिंक इंपॉर्टेंट आता ही होगा, मैक्सवेल इक्वेशन आपका हो गया। और उसके अलावा आपने और क्या पढ़ा, ऊष्मागतिकीय विभव, अगर वो सब आपका बस समझने के लिए जरूरी, मुझे नहीं लगता उस पर कभी ऐसा कोई क्वेश्चन तो कुछ भी आता होगा। न्यूमेरिकल्स आपके मेनली आपके इन टॉपिक्स में से ही आते होंगे न्यूमेरिकल्स तो, ठीक है ना? उसके अलावा मैक्सवेल समीकरणों में ही जैसे कल हम पढ़ेंगे एक दो डेरिवेशन वगैरह कैसे होती है, वही सारी चीज़ें आ जाएगी। तो ये आपके मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, उसके अलावा आपके जो भी ऊष्मागतिकी के आपने नियम पढ़े, थर्मोडायनेमिक्स लॉ, अभी हमारा कौन सा एक थर्ड लॉ और रह गया है क्योंकि वो हमारे शायद नेक्स्ट यूनिट में है। थर्ड लॉ हमने पढ़ लिया, एंट्रोपी पढ़ लिया, एंट्रोपी और टेम्परेचर उन दोनों के प्रभाव वगैरह पढ़ लिए, ठीक है? तो यही सारी चीज़ें हैं मेन मेन हमारी, जो मोस्ट ऑफ चीज़ें हमारी फर्स्ट यूनिट में आ गई है, ठीक है? और कल आपकी ये फर्स्ट यूनिट हो जाएगी कम्प्लीट, बी एस सी सेकेंड ईयर की थर्मोडाइनमिक्स का
फर्स्ट यूनिट कल ऑलमोस्ट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगर कुछ ऐसा टॉपिक बाद में ध्यान आ गया रह जाता है तो मैं नहीं कह सकती, बाकी मेरी तरफ से ऑलमोस्ट तो कंप्लीट हो जाएगी, वो मैं आप लोगों को कल और बता दूंगी और उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, ओके।